वेलकम बैक टू माई चैनल इसमें हम क्लास सिक्स हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्लास सिक्स हिस्ट्री हमने एलेवेंथ चैप्टर तक कम्प्लीट किया है अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर ट्वेल्व जिसका नाम है बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स तो देखो इसका नाम ही है बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स तो इसके सोर्सेस क्या होंगे हमको इसके बारे में कहाँ से पता चला होगा बिल्डिंग से जो आर्किटेक्ट था उससे पता चला होगा और जो बुक्स हमको मिली हैं जो पेंटिंग्स मिली हैं उससे पता चला होगा ठीक है तो इससे हमको सोर्स समझ में आ जाता है अब देखो मैं इंडेक्स डालना भूल गई हूँ इस बार पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाह चाहूँगी कि जब आप हिस्स हिस्ट्री एम सॉरी हिस्ट्री क्लास सिक्स की रिवाइज़ करते हो तो आपको कैसे रिवाइज़ करनी है चैप्टर फर्स्ट आपको इंडिपेंडेंट पढ़ना है चैप्टर सेकंड और थर्ड आपको साथ में पढ़ना है चैप्टर फोर्थ और फिफ्थ आप इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे चैप्टर सिक्स और सेवन्थ साथ में चैप्टर एट आप इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे चैप्टर नाइन और टेंथ साथ में और चैप्टर इलेवन और ट्वेल्थ साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ये अगर चैप्टर टू से क्वेश्चन आता है तो आपको पॉइंट चैप्टर थ्री से भी मिलेंगे उसके ठीक है ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर टू से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा अगर कोई एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें चैप्टर टू और चैप्टर थ्री दोनों साथ में इंक्लूड किया जाएगा ठीक है तो इसलिए आपको ऐसे रिवाइज़ करना है अब क्वेश्चन क्या पूछे गए थे इस चैप्टर से वो ये हैं फर्स्ट पूछा गया है जीएस पेपर फर्स्ट में 2013 में ये क्वेश्चन क्या था कि भले हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती संगम एज से ठीक है लेकिन हमको बहुत सारी आ, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशन पता चलती है संगम लिटरेचर से ठीक है ये क्वेश्चन का आंसर आपको पहले भी एक चैप्टर में मिला है मैं नहीं बताऊंगी कौन से चैप्टर में आपको देखना पड़ेगा वो ठीक है तो इसमें भी आपको संगम लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा क्योंकि जो साउदर्न लिटरेचर है जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का लिटरेचर हुआ करता था वो बेसिकली संगम लिटरेचर हुआ करता था बहुत लंबे टाइम तक संगम लिटरेचर ने अपना काम अपना निभाया है तो इसलिए हमको संगम लिटरेचर अभी भी थोड़ा बहुत मिलेगा फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है वो है स्तूपा आर्ट के बारे में स्तूपा के बारे में हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि स्तूप मतलब यहीं से मिलेगा कि स्तूप होते क्या हैं कहाँ कहाँ के स्तूपा के बारे में हम लोगों ने बेसिकली बात की है वो ठीक है फिर जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था इसमें भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही बिल्डिंग आर्ट और बुक के बारे में तो इसमें ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि जो आर्ट है वो कहाँ पहुँची थी गुप्ता एज के बारे में ठीक है ये चैप्टर भी गुप्ता एज को दर्शाता है तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा और ये इसीलिए उससे मिलता है कौन से ईयर का है ये टू थाउजेंड पेपर फर्स्ट ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है आयरन पिलर से ये जो आयरन पिलर आप देख रहे हो ये कहाँ है डेली में कितनी हाइट का है ये सेवन पॉइंट टू फीट की हाइट है इसकी ठीक है मीटर की हाइट है एक सौ पंद्रह एक सौ पचास फिफ्टीन हंड्रेड ईयर्स अगो बनाया गया था इसका वेट कितना है थ्री टन्स का वेट है इसका इसके बारे में हमको पता कैसे चलता है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसमें इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं और इस इंस्क्रिप्शन में नाम क्या लिखा हुआ है चंद्रा अगर आपको याद होगा तो गुप्ता डायनेस्टी में दो चंद्रगुप्त थे चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकेंड ठीक है इसमें सिर्फ चंद्रा लिखा हुआ है इसलिए आज तक पता नहीं चला है कि ये चंद्रगुप्त फर्स्ट को बिलोंग करता है या चंद्रगुप्त सेकेंड को इसका जो शेप है पिलर का वो है ट्रपोजियम ठीक है मतलब ये ऐसा है स्ट्रेट नहीं है टेढ़ा है ठीक है तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ी होगी ठीक है और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस एज में हमको पता चलता है कि मेटलर्जी जो है वो डेवलप हो गई थी मेटलर्जी का क्या मतलब होता है कोई एक धातु जो होती है मेटल होती है जैसे मान लो आयरन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ठीक है दूसरा कोई मेटल है जिसमें रस्ट नहीं लगता रस्ट का मतलब क्या है जंग नहीं लगती ठीक है तो हमने क्या क्या दोनों को मिला दिया और स्टील बना दिया ठीक है मैं एक्चुअली एलॉय का वो कंपोनेंट भूल गई हूँ तो स्टील बना दिया जब स्टील बनाया तो क्या होगा उसमें रस्ट नहीं लगेगा और वो स्ट्रॉन्ग भी होगा है ना तो ऐसे ही इसमें क्या किया गया है इसमें बहुत सारे मेटल्स को मिलाया गया है और एक पिलर बनाया गया है ये पंद्रह सौ साल पुराना है ये देखो लिखा हुआ है पंद्रह सौ साल पुराना है लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें आज तक कभी रस्ट नहीं लगी है तो लोगों को क्या पता रहा होगा मेटल के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेली में कोई आयरन का ओर नहीं है मतलब डेली में आयरन नहीं मिलता आयरन कहाँ मिलता है बिहार और झारखंड वाले साइड में तो लोगों को वहाँ जा के उसको इतना सारा आयरन लाने में कितनी मुश्किल पड़ी हो गई पड़ी होगी कैसे बनाया गया होगा ये सब सोचना ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है क्योंकि यू में रीजनिंग भी आता है और रीज़निंग यहीं से आता है मतलब इतना दिमाग लगाओगे तभी तुमको समझ में आएगा ठीक है अब देखो ये जो बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स के बारे में बात की गई है तो कौन कौन से बिल्डिंग्स के बारे में तुम पढ़ोगे दो बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ोगे ठीक है एक होंगी टेम्पल्स दूसरे होंगे स्तूपास ठीक है जो टेम्पल्स होंगी उसमें इमेजेस ऑफ गॉडनेस एंड गॉड के बारे में बात करोगे मतलब अब मूर्तियाँ बनने लगी थी देवी देवताओं की वैसे मूर्तियाँ हमने कभी एक और बार देखी है कौन सी मूर्ति देखी है वरह अवतार विष्णु के वरह अवतार की मूर्ति देखी है ठीक है तो वो मूर्तियां भी बनने लगी हैं और मंदिर भी बनने लगे हैं ठीक है और जो स्तूपा है वो भी हम तीन जगह के देखेंगे एक अमरावती का एक सांची का और एक है अमा, एक है भान बाराप बारा पद का ठीक है तो ये दोनों कहाँ हैं एमपी में हैं अमरावती भी एमपी में है शायद ठीक है तो ये हमको आर्किटेक्ट के बारे में पता चलेगा तो कुछ कुछ जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो किसकी हुआ करती थी ब्रिक्स की हुआ करती थी ईंटों की हुआ करती थी और कुछ कुछ हुआ करती थी पत्थरों की तो पहले देखते हैं हम स्तूपास के बारे में ठीक है तो ये जो स्तूपास हुआ करते थे स्तूपा कैसे बने जो लॉर्ड बुद्धा थे वो जब अपनी लास्ट बर्थ ले रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा कि हम आपको आपकी डेथ के बाद याद कैसे करेंगे तो लॉर्ड बुद्धा ने बोला कि मैं भगवान तो हूँ नहीं तुम तो मेरी मूर्तियाँ मत बनाना ठीक है उन्होंने ऐसा बोला था हम उनको भगवान मानते हैं पर उन्होंने बोला मैं भगवान तो हूँ नहीं कि तुम मेरी मूर्तियाँ बनवाओगे तो तुम क्या करना मेरे जो लेफ़्ट ओवर्स होंगे जैसे मेरे दांत बच जाए मेरे नाखून बच जाए या कुछ भी मेरा बच जाए तो क्या करना उसको एक स्मॉल बॉक्स में रखना और उसके बाद उसको एक चबूतरे चबूतरा समझते हो एक पेडिसल टाइप का ऐसा रे, रेक्टेंगल होता है उसमें मिट्टी रखी होती है पूरा जैसे ये फ्लोर है इसे थोड़े ऊपर पे एक रेक्टेंगल बनाया जाएगा इसमें रखना और उसकी प्रतीक्षिणा करना प्रतीक्षणा का क्या मतलब होता है ये देखो लिखा हुआ प्रतीक्षि प्रतीक्षणा का मतलब राउंड राउंड घूमना कौन से डायरेक्शन में राउंड राउंड घूमा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना ठीक है तो यही कहाँ क्या क्या है स्तूपा है यही हम कौन से वाले की पढ़ रहे हैं अभी कौन से स्तूपा की बात कर रहे हैं कौन से स्तूपा के बारे में इसमें लिखा हुआ है अमरावती के बारे में ठीक है और इसमें क्या था जो ये गेटवेज बनाए गए थे इसमें रेलिंग्स बनाई गई थी इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सब में ना कुछ ना कुछ कार्व्ड है मतलब कुछ ना कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं जिससे आपको उसकी जातक कथाओं के बारे में पता चलता है ठीक है कब बना था ये दो हज़ार साल पहले बना था ठीक है और इसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल केव्स भी थी जो अमरावती का है यहाँ पे बहुत सारी आर्टिफिशियल केव्स भी हुआ करती थी तो उस तूपा के बारे में इतना ही मेंशन है उसके बाद आते हैं हम हिंदू टेंपल्स के बारे में ठीक है तो हिंदू टेंपल्स में आप तीन देवी जो तीन भगवान हैं उनके बारे में पढ़ते हैं मंदिरों के बारे में पहले आते हैं विष्णु शिवा और दुर्गा आपने विष्णु के बारे में कहाँ पढ़ा है वरह अवतार वाली जो आपने मूर्ति देखी है, उसमें शिव के बारे में कहाँ पढ़ा है जो अपार करके एक साउथ इंडियन वेल्लार थे उनके बारे में आपने पढ़ा था कि वो जो शिवा शिवा के डिवोटी थे उन्होंने बहुत पूजा वूजा की थी अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो शिवा के नाम कर दी थी ठीक है इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे दुर्गा के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो इस टाइम पे यूज जो ये देवी देवता हैं इनके बारे में लोग पूजा करते थे इनकी ठीक है और एक जगह का नाम याद रखना इसका नाम है भितरगाँव ठीक है अब देखो भितरगाँव की इम्पॉटेंस क्या है इसको आप बाद में देखना पहले ये देखो भितर गाँव में क्या इंपॉर्टेंस है ये जो है ये जो एरिया ये जो टेम्पल आपको शो किया गया है ये ये भितरगाँव का टेम्पल है ठीक है भितरगाँव के टेम्पल की स्पेशलिटी ये है कि जो आप अभी का टेम्पल देखते हो वो कैसा होता है एक एक ऐसा ट्राइंगल टाइप का एरिया होता है फिर एक रेक्टेंगल होता है फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल एरिया होता है इसके नीचे ऐसे स्टेयर्स होती हैं और ये हमारा होता है आज का टेम्पल यहाँ पे एक फ्लैग होता है इसको क्या कहते हैं शिखर इसको क्या कहते हैं और यहाँ पे होती है मेन जो अपने मेन भगवान होंगे जिनकी आप पूजा करने आए हो उनकी मूर्ति मान लो ये शिवा की मूर्ति है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है गृह गर्भगृह यहाँ पे क्या होता है मंडप ठीक है और ये क्या है स्टेयर्स ठीक है तो ये क्या है आज का नॉर्मल टेम्पल इसमें गर्भगृह का क्या मतलब होता है एक छोटा सा एरिया जहाँ पे जो मेन भगवान है जो मेन देवी देवता जिनको आपने वो मंदिर समर्पित किया है उनकी मूर्ति होती है ये कौन सा एरिया होता है मंडप मंडप इसको क्यों कहते हैं क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग आए हैं मंडप क्यों बनाते हैं इस गर्भ जैसे बहुत सारे जैसे महाशिवरात्रि को देखा होगा जो शिव का मंदिर होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वो सारे लोग एक साथ गर्भगृह में नहीं घुस सकते क्योंकि गर्भगृह छोटा होता है तो जो लोग मंदिर में आए हैं तो वो कहीं तो बैठेंगे तो अगर कुछ लोग गृह गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं तो जो लोग लेट आए हैं वो कहाँ बैठेंगे मंडप में और जो लोग पहले आए हैं लेकिन वो मंदिर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो भी कहाँ बैठेंगे मंडप में तो इसलिए एक लार्जर एरिया बनाया गया था इसकी स्टार्टिंग कहाँ मिलती है हमको भितर गाँव से और ये देखो यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं जो हमको दिख नहीं रहे हैं पर वो हैं ठीक है और दो और टेम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं जो है एक महाबलीपुरम में और एक ए में ठीक है जो अपना भितरगांव का टेंपल है वो किससे बना हुआ है वो ब्रिक्स से बना हुआ है बेक्ड ब्रिक्स से मतलब आग में तपे हुए ईंटों से बना है ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है अगर बिल्डिंग में क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर है ठीक है और जो महावलीपुरम है और जो ये अपना एहोल वाला एरिया है यहाँ पे जो मंदिर मिलते हैं वो किससे बने हुए हैं स्टोन से बने हुए हैं ठीक है जो नॉर्थ टाइम जो नॉर्थ साइड का अपना आर्किटेक्ट था उसको हम कहते थे नगरम आर्किटेक्ट याद कैसे रहेगा एन एन से जो साउथ में था वो कौन सा था द्रविड़ जो एहोल का टेम्पल है वो था उसका आर्किटेक्ट को हम कहते थे वैशार आर्किटेक्चर वैसार आर्किटेक्चर में कोई नई बात नहीं थी आर्किटेक्ट में कोई नई बात नहीं थी वो नॉर्थ और साउथ दोनों का मिला के बना हुआ था ठीक है और इस टाइम पे मोनोलिथिक टेंपल बहुत बनते थे मोनोलेथिक टेंपल का क्या मतलब होता है एक ही पत्थर को काट के आपने मंदिर बना दिया ठीक है वो ज़्यादातर कैसे होते थे रथ टेम्पल के फॉर्म में होते थे रथ टेम्पल का क्या मतलब होता है जैसे आपने सन टेम्पल देखा होगा आगे सन टेम्पल है जिसमें पहिए बने हुए हैं ठीक है तो रथ टाइप का थोड़ा सा उनको लुक दिया जाता था ठीक है तो ये हमारी किन्स की बात रही जो टेम्पल्स हैं याद रखना कि जो एहोल का टेम्पल है वो किसने बनाया था पुलकेशन सेकंड ने पुलकेशन सेकंड के बारे में अपने बहुत पढ़ा है पिछले चैप्टर में बहुत फेमस राजा था वो ठीक है और इसमें कौन से देवी की पूजा की जाती है दुर्गा तो हमने किसके बारे में पढ़ा था शिवा विष्णु और अब किसके बारे में हमने पढ़ा दुर्गा के बारे में और अब हम देखेंगे पेंटिंग्स के बारे में ये जो पेंटिंग है ये बहुत फेमस पेंटिंग है इसमें जो लॉर्ड बुद्धा है इनके हार्ट पे लोटस बनाया गया है ये आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा ठीक है कुछ कुछ लोग क्या करते थे जो टेम्पल्स होती थी जो जैसे टेम्पल कौन बनवाता था राजा बनवाते थे ऑब्वियसली क्योंकि गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता था बाकी सारे लोग गरीब होते थे राजा के अलावा कुछ मर्चेंट्स अमीर होते थे बाकी सब गरीब होते थे तो ये जो अमीर लोग होते थे ये जो किंग हुआ करते थे ये क्या करते थे आ, बहुत सारी काविंग्स बनवाया करते थे कि चलो ठीक है यहाँ पर ये वाली स्टोरी की फ़ोटोज़ बना दो सारे मूर्तियाँ बना दो यहाँ ये वाली स्टोरी बना दो ताकि बाद में लोगों को ये स्टोरी पता रहे कि ऐसा कुछ हुआ करता था ठीक है कभी कभी क्या होता था राजा अगर उतना नहीं करवा पाता था तो जो अमीर लोग होते थे वो कारीगरों को पैसा देते थे कि तुम बनाओ और उसमें क्या होता था अपना नाम लिखवाया करते थे जैसे आज भी लोग बहुत सारे ऐसे नाम लिखते हैं अपना वैसे ही पहले भी लोग नाम लिखवाया करते थे ठीक है ये अजंता के जो केव्स हैं उसमें बहुत सारे हमको ऐसे पेंटिंग्स मिली हैं ठीक है बुद्धिज्म जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं उनमें बहुत सारी हमको पेंटिंग्स मिली हैं ये चीज़ सोचने लायक है कि ये जो पेंटिंग की गई है पंद्रह सौ साल पहले की की गई हैं और उस टाइम पे हमारे केमिकल वाले पेंट तो हुआ नहीं करते थे पर तब से आज तक उनकी जो चमक है वो वैसी ही है तो सोचो कितना स्ट्रोंग कलर रहा होगा अभी की तो पेंटिंग एक साल में उड़ जाती है मतलब अगर अभी तुम थोड़े ख़राब कलर यूज़ कर लो तो एक दो साल में आपकी पेंटिंग बर्बाद हो जाती है है ना लेकिन सोचो तब से वो पंद्रह सौ साल से पेंटिंग्स उतनी ही अच्छी से रखी हुई हैं वो सिर्फ नेचुरल स्टैक्ट से बनाई गई थी और दूसरी चीज़ ये है कि जो केव्स रही होंगी उसमें बहुत डार्क रहता था बहुत अंधेरा रहता था बल्ब बल्ब बल तो था नहीं फिर भी लोगों ने कितने अच्छे से कितनी बारीकी से काम किया है अब हम पढ़ेंगे बुक्स के बारे में तो पहले के टाइम पे तीन तरीके की बुक्स होती थी पहली होती थी रिलीजियस बुक्स जैसे रामायण महाभारत पुराण दूसरी कौन सी लिखी गई सेकुलर बुक्स लव स्टोरीज़ के बारे में वॉरियर्स के बारे में और तीसरी कौन सी लिखी गई तीसरी लिखी गई है आ, ऐसी किताबें जैसे कि जिसमें आपने ये कहा है कि जैसे मतलब ठीक है साइंस के बारे में मतलब पूरी फुली साइंस नहीं बट जैसे आर्यभट्ट ने जीरो बनाया तो उसके बारे में लिखा गया है या फिर और जो जैसे पलिनी की ग्रामर है इन सब के बारे में तीन चीज़ें के बारे में बताया गया है तो हमको दो बहुत चीज़ों के बारे में पता चलता है मतलब दो एक जो एपिक है तमिल की उसके बारे में पता चलता है उसका नाम था सिलापदिकरम ठीक है ये एक इलंगो नाम के पोएट थे उन्होंने लिखी थी 1800 साल पहले ये लव स्टोरी है बिटवीन एक कोल्ल नाम का मर्चेंट था एक पुलहार में और एक माधवी नाम की लड़की थी ठीक है इन दोनों जो जो ये आदमी था वो मैरिड था और जो ये लड़की थी माधवी वो अनमैरिड थी और वो दोनों भाग के दूसरी जगह चले जाते हैं जो कोल्लव है उसकी जो वाइफ है उसका नाम कनंगी रहता है ठीक है और जब ये लोग भाग जाते हैं दूसरे प्रदेश चले जाते हैं वहाँ का राजा जो है वो पांड्या किंग रहता है ठीक है तो जो पांड्या का किंग रहता है वो इन लोगों को क्या बोलता है कि तुम लोगों ने गलत काम किया है मैं तुमको सजा दूंगा लेकिन जो कनगी रहती है जो वाइफ रहती है वो किंग से बोलती है कि मेरा हक़ है कि मैं अपने हस्बैंड को क्या करूँ पनिश करूँ ठीक है मतलब कितनी अच्छी लव स्टोरी है ठीक है तो इनके बारे में है फिर उसके बाद एक पार्ट टू भी इसका आता है जिसके बारे जो इस जिसका नाम है मनी मानिक मनी मिकालिका ठीक है ये कौन है ये जो दोनों लोग भागे थे ना उनकी बेटी थी इसके बारे में बताया गया है ठीक है इसको दूसरे जो पोएट हैं उन्होंने कंपोज किया जिसका नाम सतनार है चौदह सौ साल पहले है ठीक है और फिर कुछ चैप्टर्स हम पढ़ते हैं कालिदास के बारे में अब देखो जो रिलीजियस बुक है वो कालिदास नहीं लिखते थे कालिदास के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि वो नॉर्मल जो लोकल लाइफ हुआ करते थे लोकल लाइट उनके बारे में लिखा करते थे ठीक है तो उन्होंने एक और जो कालिदास है उन्होंने एक मेघ दूत के बारे में लिखा है तो मेघ दूत का मतलब मेघ का मतलब क्या होता है क्लाउड दूध का मतलब क्या होता है दूध मतलब मैसेंजर जो मैसेज भेजता है तो इसमें ये लिखा है कि एक यक्ष होता है और एक यक्षिणी होती है यक्ष क्या होते हैं एक काइंड ऑफ गॉड हैं ठीक है भगवान हैं उनकी भी पूजा की जाती है तो जो यक्ष हैं वो कहाँ रहते हैं स्वर्ग में जो यक्षिणी है वो कहाँ रहती हैं पृथ्वी में तो जो यक्ष हैं वो अपनी वाइफ को मैसेज भेजना चाहते हैं कि आई मिस हर एंड ब्ला 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 तो क्या होता है कि जो अब तब के टाइम पे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तो था नहीं तो वो क्या करते हैं क्लाउड से बोलते हैं कि तुम जाके मेरी वाइफ को मैसेजेस दो ठीक है तो यही उसके बारे में लिखा गया है कि वो उनको बोलते हैं कि आई मिस यू और टच ब्ला ब्ला ठीक है फिर उसके बाद ओल्ड स्टोरीज के बारे में हम पढ़ते हैं कौन कौन सी ओल्ड स्टोरीज हैं पहले ये चीज़ पढ़ लो कि पुरान क्या होता है पुरान का मतलब होता है ओल्ड ठीक है तो पुरान का लिटरल मतलब होता है ओल्ड तो बहुत सारी ओल्ड स्टोरीज़ जैसे कि विष्णु के बारे में शिवा के बारे में दुर्गा पार्वती इन सब के बारे में बताया गया है ठीक है ये जो पुराण हुआ करता था ये सिंपल संस्कृत में लिखा जाया करता था ठीक है और जैसे जो रिलीजियस है ना जैसे मान लो तुम्हारी गीता है मतलब और ऋग्वेद हैं ये सब वेद हैं इनको लास्ट लास्ट में क्या किया गया था कि इनको लोअर कास्ट के लोग नहीं पढ़ सकते लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं पढ़ सकते थे पर जो पुराण है उसको कोई भी सुन सकता था जो अपने रिलीजियस बुक है उनको हर कोई नहीं सुन सकता था पर जो पुरान है वो सब कोई सुन सकता था मंदिर के बाहर जो होता था वो प्रीस्ट बैठता था और वो पुरान के बारे में बताया करता था और लोग उसके बारे में क्या क्या करते थे सुना करते थे कौन कौन इंक्लूडेड है वुमेन एंड शूद्रास ठीक है जो वेद पढ़ने के लिए अलाउड नहीं थे और बाहर पढ़ा करते थे जो संस्कृत में अपन को दो बहुत ज़्यादा कथाओं के बारे में पता चलता है वो ऑब्वियसली कौन सी है रामायण और महाभारत रामायण महाभारत के बारे में आई होप आपको पता होगा ठीक है किसने लिखी है व्यास ने लिखी थी महाभारत ठीक है इनमें आप पढ़ते हो महाभारत जो इसमें गीता है वो भी इसमें आती है फिर आप रामायण के बारे में पढ़ते हो कि कैसे वो जाते हैं वाल्मीकि के और वाल्मीकि इनके ऑथर हैं ठीक है तो महाभारत के ऑथर कौन है व्यास और वाल्मीकि किसकी ऑथर है संस्कृत में किसने लिखी थी वाल्मी रामायण वाल्मीकि ने आपने सुना होगा वाल्मीकि रामायण अलग है और तुलसीदास की रामायण अलग है तुलसीदास की जो रामायण है वो अवधि भाषा में लिखी गई थी और जो ये संस्कृत रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखी थी बहुत पहले ठीक है अब स्टोरीज़ टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल इनको क्या कहते हैं आप जातक कथाएँ अगर आपको याद हो तो इन्हीं को हम कहते हैं जातक कथाएं ठीक है तो अजंता जो ये स्तूपाज हैं इनमें हमको इसी के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं एक बहुत अच्छी स्टोरी है मंकी किंग के बारे में ये आप खुद पढ़ें आई होप कि आपको अच्छा लगेगा आप खुद पढ़ेंगे तो फिर कुछ साइंस के बारे में बुक लिखी गई थी अब देखो उस टाइम पर कौन से साइंस हुआ करते थे आयुर्वेदा साइंस था आर्यभट्ट ने मैथामेटिक्स में लिखा वो साइंस था एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा वो साइंस था ठीक है नाइट कैसे एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी गई थी उन सब के बारे में लिखा था फिर उन्होंने जीरो डिस्कवर किया था आपको पता ही है है ना नहीं पता तो पता नहीं आप कौन हो और एल्सवेयर सेक्शन में आप किसके बारे में पढ़ते हैं चाइना के बारे में पढ़ते हैं चाइना में पेपर की डिस्कवरी हुई थी कैसे बनाया जाता था पेपर उन्नीस साल पहले चाइना ने पेपर बनाया था पर किसी को बताया नहीं क्योंकि वो कभी किसी को कुछ नहीं बताता कुछ भी हो जाए फिर चाइलून नाम के एक इंसान थे उन्होंने क्या किया था पेड़ का जैसे एक पार्ट होता था उसको पीट पीट के पीट पीट के -पीट, पीट पीट के करते थे कुछ भी सामान उनको मिल जाता था फाइ फाइबर्स क्लॉथ रोप सबको पीट डाल देते थे और एक शीट जैसी बना लेते थे ठीक है फिर उसको क्या करते थे प्रेस कर देते थे ड्रेन करते थे फिर उसको ड्राई करते थे और उससे पेपर बनाते थे ठीक है तो चाइना में कब पता चला 1900 साल पहले ठीक है फिर उसके बाद जो कोरिया है जो कि चाइना के एकदम बगल में है उनको कब पता चला 1400 साल पहले ठीक है मतलब सोच रहे पाँच सौ साल तक उसने छिपाया जो बाघ बाघद ठीक है उसको कब पता चला अठारह सौ साल पहले ठीक है और उससे फिर क्या हुआ स्प्रेड हो गया डिफरेंट पार्ट्स में ठीक इस है इसमें क्वेश्चन है वॉट वेयर मैन्यूस्क्रिप्टन ऑल अर्लियर इंडिया मेड अप ऑफ किससे बनती थी फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ही आंसर है इसका देख रहे हो कितना लिंक्ड है आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है यूपीएससी में तो वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि चैप्टर एट से क्वेश्चन आया तो आपको सारे पॉइंट चैप्टर एट में मिल रहे हैं जैसे अपने स्कूल के में या फिर अपने कॉलेजेस के एग्ज़ाम में होता है कि अगर आपको एक टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर आपको एक चैप्टर में होगा कि अगर वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको आंसर आता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको आंसर नहीं आता यू में जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा को होता है अगर आपने चैप्टर एट नहीं भी पढ़ा है ना तो अगर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर ऐसा कुछ रहा होगा एक ही चैप्टर से आपको सारा आंसर नहीं मिलता आपको पार्ट्स में आंसर मिलता है इसलिए हर चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे लव लाइफ लेव लाइफ टेक केयर बाय बाय